मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्री समूह की बैठक हुई, जिसमें तय किया गया कि फिलहाल मध्य प्रदेश में स्कूल नहीं खोले जाएंगे। कोरोना की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। इस बैठक में बताया गया कि लोगों को कोरोना से बचने के लिए अभी तक 1,98,00,000 डोज लग चुके हैं, आगे भी टीकाकरण जारी रहेगा। वैक्सीनेशन में प्रदेश ने रिकॉर्ड बनाया है। कोरोना की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए इस बार स्कूल 1 जुलाई से नहीं खोले जाएंगे। स्कूल खोलने के महत्वपूर्ण निर्णय के संबंध में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री और स्कूल शिक्षा से संबंधित केंद्रीय मंत्रियों से भी चर्चा करेंगे। सबसे सलाह करने के बाद ही प्रदेश में स्कूल खोलने का निर्णय लिया जाएगा। मंत्री समूह की बैठक में बताया गया कि अब 1,98,00,000 डोज लग चुके हैं। वहीं लोगों से अपील की गई है कि जिनकी सेकेंड डोज की बारी आ रही है वो अब सेकेंड डोज लगवाएं। प्रदेश के बॉर्डर के जिलों में भी वैक्सीनेशन तेज किया गया है। बैठक में बताया गया है कि अब प्रदेश में जागरूकता भी आ रही है, लोग अधिक से अधिक वैक्सीन लगवा रहे हैं। बैठक की जानकारी देते हुए बताया गया है कि जिन नगर पंचायतों ने 100% वैक्सीन लगवाई है उन्हें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जल्द ही सम्मानित करेंगे। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने बताया कि हम सबके लिए प्रसन्नता की बात है कि मध्य प्रदेश में माननीय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में हमने वैक्सीनेशन को लेकर रिकॉर्ड बनाया है। नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बताया कि कोरोना रोजगार आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश को लेकर मंत्रियों के समूह की बैठक में हमारे प्रदेश के नागरिकों का कोविड के अनुकूल व्यवहार हो, इसको लेकर विस्तृत चर्चा हुई है। प्रमुख रूप से यह निश्चित हुआ है कि हमारे शहरी क्षेत्र में जितनी भी शॉप हैं, हम इस तरह का सिस्टम करें कि अंदर भीड़ ना हो, क्रम से लोग जाएं। एक कस्टमर जब बाहर आ जाए तब दूसरा जाए। इस तरह शहरी क्षेत्रों में यही व्यवस्था बनाने का काम होगा। इसके लिए व्यापारियों का सम्मान भी होगा, रोको टोको अभियान भी चलाएगा, मास्क लगा कर लोग बाहर निकलेंगे। जो कोरोना को लेकर अलग अलग या रोजगार को लेकर आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश को लेकर जो समूह बनाए हैं, उसी में मंत्रियों के समूह की बैठक आज माननीय मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं। अभी कोविड अनुकूल व्यवहार समिति की बैठक हुई है और उसमें हमारे प्रदेश के नागरिकों का कोविड के अनुकूल व्यवहार हो, इसको लेकर विस्तृत चर्चा हुई है। शिक्षण संस्थानों के शुरू करने के लिए 100% टीकाकरण और कोविड के अनुकूल व्यवहार का पालन आवश्यक है। बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस की समस्त परीक्षाएं जुलाई अंत तक ऑफलाइन पद्धति से कराए जाने पर विचार हो रहा है। तीसरी लहर भयंकर रूप धारण ना कर पाए उसके पहले सरकार सभी तरह की सावधानियां रखने की तैयारी कर रही है। टीकाकरण जो मंत्रिमंडल का समूह है उसकी बैठक हुई और उसमें समीक्षा आज की गई और आज अभी तक 1,98,00,000 के डोज लग चुके हैं और आज जो टीकाकरण हो रहा है, आज हम लोग 2 करोड़ के पार कर जाएंगे। सेकंड डोज भी लोग जिनको फर्स्ट डोज लग चुके हैं, वो सेकंड डोज भी जो जितनी बारी आ रही है वो सब लोग लगवाएं, दिया जाएगा। और जो हमारे प्रदेश के बॉर्डर के जिले हैं उनमें भी हम लोग वैक्सीनेशन को अधिक से अधिक करेंगे और लगातार प्रयास हम जारी है। अनुकूल व्यवहार की जो मंत्री समूह के भीतर कोई मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री अभी कोविड की लड़ाई समाप्त नहीं है, अभी प्रारंभ हुई है। जो हम पर जागरूकता के साथ से काम करना पड़ेगा, इस प्रकार से कोविड में वैक्सीन का जो महाअभियान चला है ये निरंतर जारी है। इसी के साथ मास्क लगाना जरूरी है, दूरी रखना जरूरी है और जो भी मंत्री समूह ने जो अनुरोध है उसका पालन है। और सबसे बड़ी कही हमारी जो आपका प्रबंधन समिति है पंचायत स्तर से विकासखंड स्तर पर नगरीय गांव में वार्ड स्तर से हमारी वार्ड स्तर से शहर स्तर पर जो हमने अनुरोध किया है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक,
व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।